Hello students, welcome to this video. This is sets exercise 1.2. हम आज नए वीडियो के साथ आए हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया था. आज हम फुल आंसर्स जो सेट एक्सरसाइज 1.2 के हैं वो लेके आए हैं. हर क्वेश्चन हर पार्ट आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का. और इसका जो बेस है वो टोटली डिपेंड करता है कि जो टाइप्स ऑफ सेट्स और इक्वल सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट्स, ठीक है, क्या होता था और उसके अंदर आगे हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स. तो टोटली ये जो 1 पॉइंट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड अपॉन दीज दो 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कहा है कि व्हाट फॉलोइंग एग्जांपल्स आर अ नल सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट. और यू नो वेरी वेल नल सेट इज ए एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट कहते हैं. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 पार्ट्स आपके पास दिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम एक साथ ही कवर कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं. तो आपको 4 पार्ट्स में चेक करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो नल सेट है और कौन सा नहीं है, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों. तो ये आपको क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. तो देखिए हम बारी बारी से एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं. ध्यान से पूरा वीडियो आप क्लियर ढंग से सुनना और समझना. ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आपको डेप्थ पता होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. अब मुझे बताओ बेटा, ऑड नेचुरल नंबर आपको पता होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1, 3, 5, 7 ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, लेकिन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 क्या कह दिया भैया? इसमें देखिए है ना कि ऐसे कौन से ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे. ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन ही उल्टी हो गई है ना. तो ऐसा कोई भी नंबर बेटा नहीं होता है नेचुरल नंबर जो कि ऑड हो और 2 से डिवाइड हो. देखिए ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं. तो ऐसा कोई भी एक भी नंबर नहीं होगा जो कि ऑड भी होगा नेचुरल नंबर और 2 से डिवाइड भी हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नल सेट. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला बेटा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी, या यू कैन से जो क्वेश्चन में आपके पास कहा था कि ये नल सेट है या नहीं है, तो आपको बताना है बेटा ये नल सेट है. ठीक है, और क्यों है ये आपने फील कर दिया कि ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है. ठीक है, तो दिस इज द रीजन, आपको रीजन मालूम होना चाहिए बेटा. तो इसलिए इस ये जो सेट है वो कौन सा सेट है? दिस इज 5 सेट. ठीक है, आपको 5 से इसको डिनोट करने की बात करते थे. तो आपको ये बताने बस इसमें नल सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है, बस यही चेक करना है. तो देखते हैं सेकेंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. यस, प्राइम नंबर्स कौन से होते थे? प्राइम नंबर स्टार्ट होते थे 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर जो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1. ठीक है, तो आप देखिए प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो इवन प्राइम नंबर एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2. देखिए इस सेट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है ये, तो इसलिए इट इज नॉट ए नल सेट क्योंकि 2 ऐसा एक इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है. बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना वो सारे ऑड होंगे. आप चाहे चेक कर लो, आप लिस्ट बना लीजिए. ठीक है, बट 2 जो होगा वो एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है. तो इसीलिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स अगर हम बनाए तो ये वाला सेट बनेगा. तो ये जबकि सिंगलटन सेट है, इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट. तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट ए नल सेट. ठीक है, या एम्प्टी सेट. ठीक है, ये नल सेट नहीं है भैया. ठीक है, समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आएगा. अब देखते हैं थर्ड वन, x such that x is a natural number where x is less than 5 and greater than 7. वाह रे वाह,
ऐसा कोई नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर कोई हो सकता है क्या जो पांच से तो बता रहा है छोटा है, यानी पांच से तो इधर हो और सात से बड़ा हो। अरे भैया, जो पांच से छोटा होगा वो सात से बड़ा कैसे हो सकता है, और जो सात से बड़ा होगा वो पांच से छोटा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा ना। देखिए ना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन फाइव, यानी एक्स जो है वो फाइव से छोटा भी होना चाहिए और सात से बड़ा होना चाहिए। तो पांच से छोटा, सात से बड़ा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, यार इट इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये भी एक बेटा क्या है, नल सेट। ठीक है, ये क्या है, नल सेट। ठीक है, अब आप आगे जाके, आप थोड़ा सा नीचे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आप आंसर में लिख के ना नीचे इट इज ए नल सेट और इट इज नॉट ए नल सेट, आपको आराम से लिखना इसको भुला गया। यस, फोर्थ वन, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। मुझे बताओ पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा? पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऐसी लाइंस जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, जो पॉइंट इसमें है वो इसमें नहीं, जो इस पॉइंट इसमें है वो इसमें नहीं, तो कोई पॉइंट कॉमन तो होता नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देखिए वाई बोलता है, वाई क्या है, इट इज ए पॉइंट कॉमन, ठीक है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो लाइन, दो पैरेलल लाइन का बोलता है कॉमन पॉइंट है वाई। अरे भाई, कोई कॉमन हो ही नहीं सकता पैरेलल लाइन है तो, ठीक है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट कॉमन आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला जो सेट होगा इसमें कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। सो दैट्स व्हाई इट इज ए नल सेट। ये भी कैसा बेटा, नल सेट है, समझ आई बात? तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, उसके आपके पास जो सेकंड पार्ट था वही नल सेट नहीं था, बाकी तीनों जो है वो नल सेट के एग्जांपल है। आपने बिल्कुल क्लियरली से देख लिया कि ये तो प्राइम नंबर टू, इवन प्राइम नंबर में टू आएगा, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, ना कि नल सेट का, ठीक है, बाकी तीनों में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसीलिए ये नल सेट्स हुए। क्लियर? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट जानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जिसमें पता नहीं लगा सकते आप कितने एलिमेंट्स हैं तो इनफाइनाइट होंगे। तो सिंपली देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आपको पता है ना एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 मंथ्स, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, फाइनाइट। अरे पता तो लगा सकते हैं ना कितने महीने हैं, तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। तो आप देखिए बात सामने सामने आप लिखते जाना, इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि ये 12 होते हैं तो हमें पता है कितने होते हैं, ठीक है, जिसका नहीं पता वो इनफाइनाइट। तो सेकंड देखिए, क्लियरली ये इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 सो ऑन, डॉटेड कर दिया, ठीक है, तो कोई एंड नहीं है इसका, तो ये कौन सा हो गया बेटा, इनफाइनाइट, और वैसे भी ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड वन देखिए, 1 2 3 सो ऑन, सो फिर 9900। देखिए कई बार ये धोखा लगता है, 1 2 3 फिर डैट डॉट डॉट लगा रखा है, तो इसका मतलब कई बार बच्चे जो है इनफाइनाइट ले लेते हैं, लेकिन देखिए बेटा एंड तो हो रहा है इसका, ठीक है, एंड क्या हो रहा है, 9900 से आगे तो नहीं है ना, तो 1 से लेकर 100 तक नंबर है, काउंटेबल है, तो फाइनाइट ही हुए, ठीक है, तो इट इज फाइनाइट सेट। ये ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया ये। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो देखिए बेटा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100 है, 100 से बड़े वाले, तो 100 से नीचे तो हम बता सकते थे कितने हैं, लेकिन 100 से ऊपर हमें नहीं पता कितने होंगे, तो दैट्स व्हाई अगेन इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए लेस देन 99 प्राइम नंबर तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, लिस्ट बना सकते हैं भैया 99 से और 1 के बीच में, ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 है ना, 11 ऐसे बना बना के, और लास्ट जो होता है अपने पास वो आई थिंक 97 होता है, ठीक है, तो 97 तक जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी एक फाइनाइट हुए, यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है, ठीक है, so that is why it is a finite set, हम पता लगा सकते हैं।
लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो यहाँ बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री भी सेम ही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ही आपको बताना है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो उसने कहा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। फिर से आपको यही बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखते हैं सेट में फर्स्ट जो है बोलता था सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस, ऐसी लाइंस का सेट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता है ना एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है बेटा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, कितनी होगी काउंट कर सकते हो आप, जितनी मर्जी उतनी खींच लो, तो इनफाइनाइट सेट होगा नेचुरली, ठीक है। ऐसी लाइंस का सेट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में तो सेट ऑफ लेटर्स क्या होता है, 26 ही तो लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तो ये 26 है तो इट इज फाइनाइट, इनफाइनाइट तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। सेकंड वन, थर्ड सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव। अब बताओ फाइव के मल्टीपल काउंटेबल है क्या, फाइव के काउंटेबल, फाइव के टेबल में जितने भी आते हैं, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंडलेस, कोई कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर्स के आप सेट ले लें तो फाइव के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। मल्टीपल ऑफ फाइव जो है इनफाइनाइट, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। वैसे काउंट करना तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, इतना में काउंट करेंगे इतने में पैदा हो जाएंगे और कुछ मर जाएंगे। लेकिन अर्थ के अंदर बोला है ना, तो अर्थ एक लिमिटेड चीज़ हुई है ना, अर्थ के ऊपर जो है वो एनिमल्स कितने हैं, है ना। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स होंगे वो है तो कोई फाइनाइट ही संख्या है ना, ठीक है भाई। ये ऐसा तो नहीं है भाई काउंट ना कर सकते हैं हम, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट तो है, ठीक है। अर्थ तो अर्थ के बाहर जाएंगे तो अर्थ की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, तो इसीलिए इसमें एनिमल्स जो है वो एक लिमिटेड है, यानी कहने का मतलब फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स है, तो इसीलिए हम ये सेट क्या मानते हैं, फाइनाइट, ठीक है। लास्टली द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब आपको ओरिजिन तो पता होता है ना, ओरिजिन तो इसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ 0 0 होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो इधर से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप देखिए कितने सर्कल्स पास करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, काउंटेबल है क्या, ठीक है। पास करने के लिए कहा इसको सेंटर मान के नहीं, हाँ, तो पास तो कितने भी किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया, इट इज ए इनफाइनाइट सेट। बोलो समझ में आई बात, आसान है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही तो बताना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट है, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में फॉलोइंग पार्ट्स में तीन पार्ट चार पार्ट आपके पास हैं, तो इसमें बताना है वेदर ए इक्वल टू वी और नॉट, यानी इक्वलिटी ऑफ सेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने ये बात की थी कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं बिल्कुल डिटो सेम ही होते हैं, बस ऑर्डर हो सकता है कि आगे पीछे लिख दिए हो, लेकिन वही के वही बिल्कुल ए टू जेड वही एलिमेंट्स जो पहले सेट में है वही दूसरे में होने चाहिए, तभी हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट, ओके। तो देखते हैं कि कौन से सेट इक्वल हैं। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में ए भी दिया है, बी भी दिया है, ए बी ए बी ए बी ऐसे दिया है, तो आपको बताना है कि ए और बी जो हैं वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो
फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए सेट जो है ए बी सी डी चार एलिमेंट से बना है, और बी देखिए ए बी सी डी उल्टे लिखे डी सी बी ए, ठीक है, लेकिन है तो वही चार एलिमेंट जो यहाँ है वही यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, दोनों सेट इक्वल हैं, उनका ऑर्डर अलग कर दिया लेकिन एलिमेंट तो सेम है ना, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ए इक्वल टू बी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं ए फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, तो देखिए यहां पे फोर है एट है ट्वेल्व नहीं है सिक्सटीन है, तो देखिए एक यहां पे एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंस है, ठीक है तो फोर एलिमेंट्स हम देखते हैं, अगर इनको ये दोनों सेट अगर चेक करना होता इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट तो ये होते सेट, क्योंकि इनमें दोनों में चार चार एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्वल सेट के लिए आपको क्या होता है सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो इसमें देखिए एक 12 में एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट है बी से, और वहां पे 18 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इसलिए इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे सेट इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ये चीज, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें पार्ट्स में लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट पार्ट में टू फोर सिक्स एट टेन यानी दो चार छः आठ दस यानी इवन नंबर्स हैं, लेकिन कहाँ तक टेन तक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक्स दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन, बिल्कुल सही बात है। देखिए इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से वाले x जहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल सॉरी लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी 10 से ऊपर नहीं है, 10 तक हो सकते हैं 10 से छोटे होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। ये दोनों सेट बिल्कुल सेम ही चीज़ बता रहे हैं कि ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं जो कि इवन हो और 10 से नीचे हो, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी दोनों सेट है। सिमिलरली फोर्थ वन x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, देखिए 10 के मल्टीपल क्या होते हैं 10 20 30 40 50 ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये 10 के मल्टीपल होते हैं, तो देखिए क्या ये सेट इसके इक्वल है, इसमें देखिए 15 भी आ रहा है, ठीक है 25 भी आ रहा है, क्योंकि 10 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ए और जो बी सेट है वो इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या करना है, ठीक है, आपके पास फिर से आपके पास पेयर ऑफ सेट्स गिवन है और आपको बताना है ये इक्वल है या नहीं है। लेट्स डू व्हाट है क्वेश्चन नंबर फाइव, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिव रीजन। अब आपके पास देखिए इनको ये जो पेयर दे रखा है आपके पास इसमें टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में जो पेयर दिया ए और बी सेट का आपको ये बताने इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ए सेट में तो आपके पास दो एलिमेंट है देखिए टू एंड थ्री, ठीक है, लेकिन बी में क्या है पहले इस सेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टू और थ्री आया जबी हम बताएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है और इसका सॉल्यूशन है बोलता है एक्स है, ठीक है। तो x पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 और 3 ही इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में से हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, याद है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं उसी से x इक्वल टू हमें डायरेक्ट x निकालना है, तो बोलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता था, याद है मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। माइनस बी देखिए माइनस 5 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 इंटू 1 4 4 6 जा 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो लेट्स डू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 ही आएगा
ठीक है, 25 माइनस 24 एक होता है। तो देखिए x की जो दो वैल्यू आई है यहाँ पे वो कौन कौन सी आई है, एक तो -5 + 1/2 आएगी, एक -5 - 1/2 आएगी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो एक बार तो इधर हो गया -4/2 और यहाँ हो जाएगा -6/2। तो यहाँ तो -2 आया, यहाँ पे -3 आया। तो देखिए यहाँ पे जो बी सेट था वो बी सेट आपके पास क्या बना, -2, -3। समझे या नहीं? देखिए ना, बी सेट के अंदर इसके सॉल्यूशन बोला है, तो इसके सॉल्यूशन क्या आया अपने पास, -2, -3। लेकिन इसमें कितना था, 2 और 3 था। तो क्या दोनों सेट इक्वल है? नहीं है, ठीक है। बट ए इज 2, 3, ठीक है, 2, 3। Therefore, A does not equal to B. समझ आई बात? रीजन बोला था ना, तो रीजन देखिए, पूरा रीजन दिया है हमने, पूरा सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यार, ठीक है, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने और x की वैल्यू निकाल ली। देखिए यहाँ पे तो ये जो x की वैल्यू आई यही आपके पास क्या था, B सेट के एलिमेंट्स थे। तो दो जो सॉल्यूशन आए वो इसके सेट थे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट आए, तो इसीलिए ये सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका 5/5 का सेकंड पार्ट, उसमें ये कहा है। देखिए द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो और गोल्फ, फॉलो क्या अगर आप सेट बनाएंगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। ए सेट तो क्या बनेगा, ठीक है, एफ ओ इसके लेटर्स का, एफ है, ओ यूजर है, एल यूजर है और डब्ल्यू यूजर है, ठीक है। देखिए चार लेटर से बना है ना ये, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है, ओ दो बार आ रहा है, एल दो बार आ रहा है, लेकिन एक बार ही लिखते हैं हम, ठीक है। अब बी पार्ट को हम देखते हैं, बी वाला जो सेट है वो क्या बोल रहा है, बी सेट है यहाँ पे बोलता है वर्ड वोल्फ को, तो वोल्फ वर्ड यूज करने के लिए अपने पास कौन कौन से लेटर यूज हो जाए, देखिए डब्ल्यू ओ एल और एफ यही हो रहा है, तो यूनिक है सभी, रिपीट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो क्या दोनों सेट इक्वल है, तो क्लियरली देखिए बेटा, क्लियरली ए इक्वल टू बी है, चेक इट, चेक कर लो, एफ इधर है, इधर है, ओ है, ओ है, एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू, बिल्कुल सेम सेट है बेटा, देखिए ऑर्डर ही तो चेंज है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्लियरली क्या हो गया, सेम सेट हो गए, ठीक है। और रीजन तो हमने दे ही दिया भैया, ए सेट ही है, बी सेट ही है, इसीलिए दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए, ठीक है। डायरेक्ट तो लिख ही नहीं रहे हम कुछ भी। और एक और क्वेश्चन इसमें बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बहुत सारे आपके पास क्या है, सेट्स गिवन है, तो आपको ये बताना है कि कौन जो है सेट्स हैं वो इक्वल सेट्स हैं, आपको सेलेक्ट करना उनमें से इक्वल सेट्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप बोलेंगे यार ये क्वेश्चन भी क्या है, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए बोलता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है, आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। तो इक्वल सेट देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपके पास यहाँ पे 8 जो है वो सेट्स गिवन है, आपको बताना है कौन किसके इक्वल है। तो यार देख के ही बता दो ना कौन किसके इक्वल है, ठीक है, आप देखो किस किसके एलिमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। इसका 2, 4, 8, 12 ऐसा कुछ एलिमेंट इधर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, 8 है, 12 है, 12 है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, तो ये तो सेट इक्वल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई और सेट दिख भी नहीं जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये दोनों सेम सेट है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, वही चार एलिमेंट इसमें, वही इसमें, ठीक है, ये दोनों हो गया। और इसी तरह से देखिए ई में -1, -1, -1, 1, ये देखिए ई और जी, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल है, और ये दोनों में 0, 0 है, 1, 1 ये अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा कोई और दिख भी नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है, तो यही वाले दो हुए, ठीक है। कौन कौन सा, बी इक्वल टू डी, ठीक है, इक्वल सेट्स कौन से हैं, इक्वल सेट पेयर्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इक्वल सेट पेयर्स, कौन कौन से, बी इक्वल टू डी एंड सेकेंड वन
कौन सा E इक्वल टू जी, ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। ये तो सेट इसके इक्वल है, ये सेट इसके इक्वल आ गया, क्लियर है बेटा। तो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। मैंने पूरे आपको 6 के 6 क्वेश्चन और सारे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप पीछे रिवाइंड करके पॉज करके फिर से देख सकते हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज को आप नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, जहाँ पॉज करके आप नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं आप, क्लियर, ठीक है। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बता दिया, जिसने कर भी ली थी वो भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में आपको कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो वो अब आई थिंक पूरी सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो यू कैन गिव मी कमेंट ऑन द वीडियो एंड ईमेल टू मी, ठीक है। मैं आपको उसका अलग से वीडियो आपको पर्सनल भेज सकता हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब सब्सक्राइब हो जाता है तो जैसे ही नया वीडियो आता है आप उसमें बेल जो बटन होता है उसको भी आप इंडिकेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपके सामने उसको नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो उसके साथ लिंकिंग जितने भी वीडियोस होंगे आपको क्लियर होंगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा या आपको लिंक नहीं भेजना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी। अब हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड एंजॉय विद दिस वीडियो, ओके।